इन दिनों डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अलग अलग हलकों के गांव-गांव जाकर जेजेपी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुष्यंत चौटाला ने दो दिन पहले बरोदा हलका के गांव का दौरा किया, जहां पर दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा और बरोदा हलके में जलभराव की समस्या को लेकर बरसाती पानी निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने का दावा किया, जिस पर पलटवार करते हुए बरोदा के विधायक इंदुराज ने दुष्यंत चौटाला के दावों की पोल खोलकर रख दी। सुनिए किस तरीके से इंदुराज नरवाल ने दुष्यंत चौटाला के सभी वायदों को झूठा बताया है। देखिए, दुष्यंत जी ने चार दिन पहले अलका बरोदा का तीन गांव का दौरा कराया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दुष्यंत जी को भी बताना चाहूंगा और पूरा अलका बरोदा की 36 बिरादरी को बताना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि खेत के जो जल भराव की पाइपलाइन की बात थी वो मन न कराई, कति झूठ बात है। ये सारा अलका बरोदा की 36 बिरादरी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। जब मैं विधायक बना, मैंने पुरजोर लड़ाई लड़ी और मैंने हर खेत के हर रोड़े बजा गए खड़ा होया, हर खेत में हर गांव में गया और मैंने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया। विधानसभा में उठाने के बाद मैंने एक एक एजेंडा अलग अलग गांव का मैंने बनवा के महकमे के पास भेजा और वहाँ पैरवी करके विधानसभा में लड़ाई लड़के मैंने करवाने का काम किया। इसमें दुष्यंत जी का कोई भी रोल नहीं है, ना दुष्यंत जी ने यह काम कराए। ये सारी ताकत अलका बरोदा के विधायक की है। अलका बरोदा ने मेरे को विधायक वो ताकत ने काम किया, जिसकी मैंने लड़ाई लड़कर ये काम मैंने कराने का काम करा। और मैंने पहले भी कहा था, कोई एक नेता था अलका बरोदा का, वो कह रहा था हमने कराई, विषय में आगे बताया कि एक रात ने एक गांव का तो नहीं मेरा, अब कितना कितना लाइन लगनी थी, कौन सा काम लगनी थी, दुष्यंत बता दो। ये सारा अलका बरोदा के विधायक का काम है, भालू का काम है, मन ने कराया है, इसमें दुष्यंत की कोई भी रोल नहीं। और यही बात कह गए दुष्यंत जी, अगर हम को लो कि चारों तरफ बरोदा लगा हो, करगोदा लगा हो, मैम हो, भाई आड़न छोड़ दे, तू चाहे तो आरेगा, तू आड़े 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 तो कभी भूल जा, आड़न तारी जमाने नहीं बचनी। अरे जितने दुष्यंत जी इलेक्शन लड़ेंगे चाहना लग कहते हैं, उड़ते भी दुष्यंत जी की बहुत बुरा हाल होने वाला है। और कहीं से भी जेजेपी का एक भी विधायक नहीं बनका होगा, ये मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, 24 नज़दीक इलेक्शन है, आप देख लेना। और इनका तो ये गठबंधन किए गए ठगबंधन, जो बीजेपी जेजेपी का जो ठगबंधन है, इसका भी बहुत बुरा हाल है। विधानसभा में देखा हो आपने दुष्यंत जी की वो बेइज्जती करी है, जी बीजेपी के नेताओं ने उसको दबाव दे के बोलने का जवाब दें, जो जवाब देने से मना कर दिया था दुष्यंत जी ने। और वहाँ ना जो जो हमारे स्पीकर हैं अध्यक्ष है, जो हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने पूरा दबाव देकर ये कहा गया विधानसभा में, सारा ऑनलाइन काम था, पूरा दबाव दे के कहा दुष्यंत जी आपने जवाब देना पड़ेगा, ये तो जवाब देने से मना कर गया था विधानसभा में। जितने इसके महकमे के जो भी अर्जेंटमेंट मोशन लगे थे, उनमें आपने देखा हुआ एक घंटा आधा घंटे कहता आप लेकर आ रहा, अगर मैं जवाब नहीं दूँ, मैं जवाब नहीं दूँ, लेकिन लास्ट में जवाब देना पड़ा था। तो इनका तो खाता खत्म है। इनके वो दादा गुत्तम कहता ना, इनके ना पल्ले दहास, ये तो ऊँखा मखा, इन्हों में कहता पहले हवा बढ़ाओ, हवा हवा बढ़ती है काम से, हवा बढ़ती है नीयत से, हवा बढ़ती है नीयत से, इनके तो तीनों काम खराब है, हवा कितना बनेगी। जाक्षी गाँव में नहीं कह रहा था, आगे बताओ तो इबला लगा अगर दे हवा बढ़ाओ, हवा तो इलेक्शन जीतता जाए, या बात मान लूँ हम हवा तो बने बनाए थे इलेक्शन जीतता, लेकिन हवा बढ़ा दिया भी नीयत नीति और उनका जरूर प्रभाव आग्रह और विकास की बात हो आग्रह, इन्हें तो विनाश कराया हरियाणा प्रदेश का। और सबसे अगर किसी ने इस हरियाणा प्रदेश का जो विनाश हुआ इस 5 साल के राज में, अगर किसी का सबसे बढ़िया हाथ है तो सबसे बड़ा दुष्यंत चौटाला जी का है। इसने इस प्रदेश का भट्ठा गोलगढ़ में एक नंबर मात है। हिम्मत अन्य को खट्टर से भी पहले अगर किसी ने नाश कराया तो दुष्यंत चौटाला ने कराया। देखिए, ये लोगों का जो दिमाग है ना, जो एक भावनात्मक ये मुद्दे लेकर आ गए, ये बस भटकाने का मामला है। इन्होंने चक इंडिया के नाम पर बहुत सारे चालू करे थे नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, धकड़ा इंडिया, आज इंडिया का गठबंधन बन गया। तो ये एक राजनीतिक भेदभाव ना, ये कह रहे भारत जोड़े तो कांग्रेस ने कहा था, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पैदल चल के
जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा भी राहुल गांधी जी ने दिया था, क्या भारत का भी नाम बदलेंगे? राजनीति के मुद्दे हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की बात है। ये पूरा बीजेपी नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं और घबराते हुए ये बात कह रहे हैं, भाई इंडिया में से क्या बात होगी, भाई हर अपने देश के तीन नाम हैं, इंडिया भारत हिंदुस्तान। ब्रिटिश इंडिया का नाम रखा, ब्रिटिश इंडिया के नाम से। आपने शायद पता नहीं हुआ 2015 में इन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सॉरी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हलफनामा दिया था, अगर हमने इंडिया नाम से कोई हो नहीं, हम इंडिया नाम रखेंगे, किसी ने केस डाला था। और रही बात मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2003 में, मुलायम सिंह जी एक प्रस्ताव लेकर आए थे अगर हम अपने देश का नाम भारत रखेंगे, तो उसका सबसे अगर किसी ने बहिष्कार किया था तो बीजेपी के नेताओं ने बहिष्कार किया था और उन्होंने इंडिया के कमखड़े हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में उन्होंने वॉकआउट करने का भी काम किया था बीजेपी ने। आज क्या बात होगी इंडिया में? ये सब लोग बड़े समझदार हैं, इस बात का इस मुद्दे कोई भी मानने वाला नहीं है। आप बात करो मोदी जी को, मैं कहना चाहूँगा इंडिया और भारत की बात करो, आप रोजगार की बात करो। वही दुष्यंत चौटाला को नसीहत देते हुए कहा कि देवीलाल कहते थे कि हवा बना लो सरकार बन जाएगी, अब स्थिति उलट है, हवा से सरकार नहीं बनती है, काम और अच्छी नीयत से सरकार बनती है। अब देखना होगा कि क्या दुष्यंत चौटाला की तरफ से इस पर बयान आता है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।